दोस्तों, अगर आप बीएड करने के बाद एमएड करने की सोच रहे हैं तो एमएड करके जो है आप किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं, एमएड करने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनोमिस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एमएड करने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आपने बीएड कर लिया है और आप एमएड करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमएड करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। क्योंकि कोई भी कोर्स अगर कर रहे हैं, उसमें टाइम दे रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जो है बीएड करने के बाद एमएड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके पहले अगर हम आपको एक उदाहरण दें कि जैसे मान लीजिए कि आपको दूध दिया जाता है और साधारण दूध के बजाय अगर उसमें मलाई दे दिया जाए आपको, यानी कि मलाई मार के दे दिया जाए, तो जिस तरीके से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत ही सुंदर लड़की है और उसको मेकअप करके और भी सुंदर बना दिया जाता है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि चार चांद लग जाना, यानी कि उसकी सुंदरता में चार चांद लग गया। तो जैसे वहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है उन सब चीज़ों का, सेम वैसे ही अगर आप बीएड करने के बाद एमएड कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें चार चांद लग सकता है, यानी कि आप जो है और भी अपना करियर बेस्ट बना सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की कि अगर आप बीएड करके एमएड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एमएड जो है आपका 2 साल का कोर्स होता है जो कि बीएड के बाद होता है। बात करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स की। तो पहला बेनिफिट्स ये है कि आप जो है बीएड कॉलेज के टीचर बन सकते हैं, बशर्ते आपके पास ग्रेजुएशन में और बीएड में 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन में भी जो है मिनिमम 50% आपका होना चाहिए और बीएड में भी जो है 50% होना चाहिए, और आपने एमएड कर रखा है तो आप किसी भी बीएड कॉलेज के टीचर बन सकते हैं, वहां पर जो है आप एलिजिबल होते हैं। दूसरा फायदा यह है कि आप जानते हैं जो बीटीसी के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जिसे कि डाइट कहा जाता है, तो आप जो है डाइट के भी टीचर बन सकते हैं आफ्टर एमएड। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस होता है, एमएड करने के बाद जो है आप डाइट में भी जो है टीचर बन सकते हैं और बीएड कॉलेज में भी टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ एक और बेनिफिट्स होता है कि आप जो है बीएड के लेक्चरर भी बन सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जो है एमएड के बाद एजुकेशन सब्जेक्ट से जो है आपने नेट क्वालिफाई किया हो। अगर आप जो है एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किए हैं और आप जो है एमएड किए हुए हैं तो आप जो है किसी भी बीएड कॉलेज के लेक्चरर भी बन सकते हैं। और अगला बेनिफिट ये है कि आपने जो है एमएड के बाद अगर एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जो है बीए के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। उसके बाद अगला बेनिफिट यह है कि अगर आप जो है टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम देते हैं और आपने एमएड भी कर रखा है तो वहां पर आपको वेटेज मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी वहां पर दिया जाता है। और जो मार्क्स होता है वो स्टेट वाइज होता है कि इस स्टेट का जो है इतना मार्क्स देना है, इतना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर वेटेज दिया जाता है। तो ये भी बेनिफिट्स जो है आपको मिलता है। और इसी के साथ एक और फायदा होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर कि डायरेक्ट जो है प्रिंसिपल की भर्ती निकलती है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं, यानी कि उसका भी एग्ज़ाम आप जो है दे सकते हैं। अगर आपने एमएड किया हुआ है तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। तो ये जो है बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एमएड करना चाहते हैं, बीएड कर लिए हैं तो आप 2 साल का एमएड करना चाहते हैं, टाइम है आपके पास, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि चार्ज लगना है, बिल्कुल एक बटन दबाना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, क्या सोचना है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।